हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंजना चोपड़ा और मैं आपको आज फर्स्ट क्लास का फर्स्ट लेसन पढ़ाने वाली हूँ। मैथ सब्जेक्ट है जिसका फर्स्ट लेसन है कंपैरिजन, यानी तुलना। तुलना किसे कहते हैं? किसी दो वस्तुओं के बीच में तुलना करना कि वो छोटा है या बड़ा है। तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं, आइए। नीचे बड़ी आकृति पर राइट का चिन्ह लगाइए, मतलब बड़ी आकृति इन दोनों में से कौन सी है उस पर हमें चिन्ह लगाना है। जैसे ये मुर्गी है, ये चूजा है। मुर्गी को इंग्लिश में हैन कहते हैं। क्या कहते हैं? हैन। और चूजे को इंग्लिश में चिक कहते हैं। हैन और चिक, यानी मुर्गी और चूजा, इन दोनों में से बड़ा कौन है उस पर हमें राइट का चिन्ह लगाना है। यानी कि मुर्गी बड़ी है तो हम मुर्गी पर राइट का चिन्ह लगाएंगे, और इस ये चूजा छोटा है तो इस पे हम चिन्ह नहीं लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट चलें। ये है हॉर्स, ये है फ्लाई, यानी ये घोड़ा है, ये मक्खी है, ये क्या है? हॉर्स। और ये क्या है? फ्लाई। फ्लाई यानी मक्खी, FLY, फ्लाई। फ्लाई यानी मक्खी। हॉर्स और फ्लाई में से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है? घोड़ा और मक्खी। घोड़ा और मक्खी में से बड़ा घोड़ा है, तो हम घोड़े पर राइट का चिन्ह लगाएंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट चले। हाँ, आगे देखिए। ये है केतली, ये है गिलास, यानी ये गिलास है, ये केतली है। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है उस पर हमें चिन्ह लगाना है, यानी बड़े पर चिन्ह लगाना है। क्वेश्चन क्या था? कि हमें बड़ी आकृति पर चिन्ह लगाना है। तो बड़ा केतली है तो हम इस पर चिन्ह लगाएंगे, छोटा गिलास है तो गिलास पर चिन्ह नहीं लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट ये है फिश, ये स्मॉल फिश, बिग फिश, स्मॉल फिश। ये बड़ी मछली है, ये छोटी मछली है। FISH, फिश यानी मछली। ये दोनों मछलियां हैं, लेकिन ये बड़ी है, ये छोटी है। और क्वेश्चन में क्या था? कि हमें बड़ी आकृति पर चिन्ह लगाना है, तो इसमें बड़ी फिश ये है तो हम इस पर राइट का चिन्ह लगाएंगे। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट। जैसे ये ड्रम है, ये डमरू है, यानी ये ढोलक है, ये डमरू है, तो आपको इन दोनों में से बड़ा कौन सा नजर आ रहा है उस पर हम राइट का चिन्ह लगाएंगे। जैसे ढोलक बड़ा है तो इस पर राइट का चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट चले। ये बिल्ली है, ये चूहा है, यानी केट यानी बिल्ली, चूहा यानी इसे कहते हैं इंग्लिश में रैट। रैट यानी चूहा, केट यानी बिल्ली। बिल्ली और चूहे में से बड़ा कौन सा है, बड़े पर हमें राइट का चिन्ह लगाना है। तो केट और रेड, इन दोनों में से बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? बिल्ली या कैट? तो कैट पर हम राइट का चिन्ह लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट चले। ये ट्री है, ये गमला है, यानी फ्लावर पॉट, इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर पॉट, ये इसे कहते हैं ट्री। ट्री यानी पेड़, फ्लावर पॉट यानी गमला। तो फ्लावर पॉट और ट्री यानी पेड़ और गमला, गमला और पेड़ में से बड़ा कौन सा है उस पर हमें राइट का चिन्ह लगाना है। बड़ा पेड़ है तो हम पेड़ पर राइट का चिन्ह लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये बस है, ये गाड़ी है, इस बस और गाड़ी में से स्मॉल कौन सा, बिग कौन सा, यानी बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है? तो बस और गाड़ी में से आपको बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है? बस दिखाई दे रही है। बस बड़ी है तो हम इस पर राइट का चिन्ह लगाएंगे, और ये छोटी है तो इसे रहने देंगे। हमें सिर्फ बड़े पर निशान लगाना है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो नेक्स्ट चलते हैं। इसे मैं वापस रिवाइज कर देती हूँ, वापस देखिएगा। हम क्या पढ़ रहे थे? हम फर्स्ट क्लास का फर्स्ट लेसन मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर था तुलना, यानी कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब
तुलना का मतलब किसी दो वस्तुओं के बीच में तुलना करना किसी भी गुण को लेकर। जैसे हमने इसमें क्या की, बड़े और छोटे को लेकर तुलना की, इसमें बड़ा कौन सा था छोटा कौन सा था उस पर हमने तुलना की और बड़े पर चिन्ह लगाया। और क्वेश्चन क्या था, नीचे बड़ी आकृति पर चिन्ह लगाई जिसमें फर्स्ट हैन और चिक यानी मुर्गा और चूजा, मुर्गा और चूजा में से बड़ी मुर्गी थी तो हमने मुर्गी पर राइट का चिन्ह लगाया था। और नेक्स्ट चलते हैं, ये घोड़ा था ये मक्खी थी, ये हॉर्स यानी घोड़ा, फ्लाई यानी मक्खी, हॉर्स और फ्लाई में से बड़ा घोड़ा था तो हमने इस पर राइट का चिन्ह लगाया। नेक्स्ट चलते हैं, ये केतली थी ये ग्लास था, तो मैंने बताया था केतली बड़ी है ग्लास छोटा है, तो हम ग्लास पर चिन्ह नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें बड़ी आकृति पर चिन्ह लगाना है। हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है कि बड़ी आकृति पर चिन्ह लगाइए, तो केतली बड़ी है तो हम इस पर ही चिन्ह लगाएंगे, तो इस पर हमने लगा दिया। नेक्स्ट चलते हैं, ये बिग फिश ये स्मॉल फिश यानी ये बड़ी मछली ये छोटी मछली, तो हमें सिर्फ बड़ी आकृति पर चिन्ह लगाना है, तो ये बिग फिश ये है ये बड़ी मछली है, तो इस पर हमने राइट का चिन्ह लगा दिया था। नेक्स्ट चलते हैं, ये ढोलक है यानी ड्रम, ये डमरू है, तो डमरू और ड्रम में से हमें सिर्फ बड़ी आकृति पर चिन्ह लगाना था, तो आपको दिख रहा है ये ड्रम बड़ा है तो हम इस पर राइट का चिन्ह लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट ये कैट ये रैट, कैट यानी बिल्ली, रैट यानी चूहा, कैट और रैट यानी बिल्ली और चूहे में से बड़ा कौन सा था उस पर हमें राइट का चिन्ह लगाना था। बिल्ली बड़ी थी तो हमने बिल्ली पर राइट का चिन्ह लगा दिया था और चूहा छोटा है तो चूहे पे नहीं लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में मैंने बताया था पेड़ है और फ्लावर पॉट यानी गमला, फ्लावर पॉट गमले को इंग्लिश में फ्लावर पॉट कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लावर पॉट यानी गमला, और इसे कहते हैं ट्री, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ट्री और ये है फ्लावर पॉट, तो ट्री और फ्लावर पॉट यानी पेड़ और गमला में से बड़ा कौन सा है उस पर हमें राइट का चिन्ह लगाना था, तो हमने राइट का चिन्ह इस पे लगा दिया है। नेक्स्ट था अपना बस और ये गाड़ी, वैन या गाड़ी इसे बोल सकते हैं, तो हमें इन दोनों में से बड़ी बस दिख रही है तो हम इस पर राइट का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि तो हमारे क्वेश्चन में सिर्फ बड़ी पर चिन्ह लगाना था, तो बड़ी बस है तो हम इस पर राइट का चिन्ह लगा देंगे, गाड़ी छोटी है तो इस पर नहीं लगाएंगे। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। बच्चों समझ में आया, अगर नहीं आया तो मैं इसे एक बार और रिवाइज कर देता हूँ, आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। हम आज क्या पढ़ रहे थे, हम फर्स्ट क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसकी मैथ सब्जेक्ट थी, जिसमें फर्स्ट हमारा लेसन था कंपैरिजन यानी तुलना, कंपैरिजन यानी तुलना, तुलना मतलब किसी दो वस्तुओं के बीच में तुलना करना। यहाँ पे हमने किस को लेकर तुलना की, यहाँ पर हमें आकार को लेकर तुलना की थी, मतलब बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, मतलब तुलना क्या हुआ कि किसी दो वस्तुओं के बीच में तुलना करना किसी एक गुण को लेकर, यहाँ पे हमने बड़ा और छोटा बेस लेकर इस पे तुलना की थी, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज थी अपनी हैन और चिक यानी मुर्गी और चूजा, मुर्गी और चूजे में से हमारे पास बड़ा था मुर्गी थी, चूजा छोटा था, हमारे क्वेश्चन में पहले ही लिखा है कि हमें बड़ी आकृति पर राइट का चिन्ह लगाना है, तो हमारे पास बड़ी कौन सी है, हैन है, तो हम इस पर राइट का चिन्ह लगाएंगे, ये मैंने लगा दिया था देख लीजिएगा। नेक्स्ट अपना पास था घोड़ा और मक्खी, हॉर्स, घोड़े को इंग्लिश में हॉर्स बोलते हैं और मक्खी को इंग्लिश में फ्लाईज बोलते हैं, फ्लाई यानी मक्खी, तो हमारे पास सिर्फ बड़ी आकृति पर चिन्ह लगाना है, हमारे पास बड़ी आकृति क्या है घोड़ा, तो फ्लाई छोटी है तो हम इस पर राइट का चिन्ह नहीं लगाएंगे क्योंकि मक्खी छोटी है, हमें सिर्फ बड़ी आकृति पर चिन्ह लगाना है, घोड़ा बड़ा था तो हमने इस पर राइट का चिन्ह लगा दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में केतली थी और ग्लास था,
केटली और ग्लास में से बड़ा कौन सा है, हमें उस पर राइट का चिन्ह लगाना था। राइट का चिन्ह हम केटली पर लगाएंगे क्योंकि ये ग्लास से बड़ा है, गिलास से बड़ा है तो हम इस पर राइट का चिन्ह लगाएंगे। ओके, ये हमने लगा दिया था। नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज थी फिश। यहाँ पे दोनों ही फिशेज हैं, दोनों मछलियां हैं, यानी ये भी मछली है ये भी मछली है, लेकिन हमें इसमें राइट का चिन्ह कहाँ लगाएंगे, जो मछली बड़ी है। यहाँ पे बड़ी मछली ये ब्लू बड़ी मछली है, येलो वाली मछली छोटी है, तो हम येलो मछली पर इस राइट का चिन्ह नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ बिग फिश पर ही राइट का चिन्ह लगाएंगे। ये बड़ी मछली है, इस पर हम राइट का चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट अपना था ड्रम और डमरू, यानी ढोलक और डमरू था, इस पर हमें बड़ी आकृति पर राइट का चिन्ह लगाना था। यहाँ हमारे पास ड्रम है, जो ढोलक है ये बड़ा है, यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा दिया था, डमरू छोटा है, इस पर राइट का चिन्ह नहीं लगाएंगे। अपने पास नेक्स्ट था बिल्ली और चूहा। बिल्ली को इंग्लिश में कैट बोलते हैं, चूहे को इंग्लिश में रैट बोलते हैं, रैट यानी चूहा। रैट को एक और भी बोलते हैं, माउस भी बोलते हैं, MOUSE माउस, माउस यानी चूहा। इसके रैट यानी भी चूहा होता है और माउस यानी भी चूहा होता है। यहाँ पर हम सिर्फ रैट याद रख लेंगे, रैट यानी चूहा होता है और कैट यानी बिल्ली होती है। हमें यहाँ पर सिर्फ राइट चिन्ह वहां लगाना है जो आकृति बड़ी है, यहाँ पर हमारे पास बिल्ली बड़ी है तो हम उस पर राइट का चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ट्री। ट्री यानी पेड़, पेड़ को इंग्लिश में ट्री कहते हैं और ये गमला है, गमले को इंग्लिश में फ्लावर पॉट कहते हैं। हमारे पास गमला और पेड़ है, ट्री यानी ट्री और फ्लावर पॉट। हमें हमारे पास यहाँ पे फ्लावर पॉट और ट्री है, हमें सिर्फ बड़ी आकृति पर चिन्ह लगाना है। तो हम यहाँ पर, हमारे पास बड़ी आकृति कौन सी है, पेड़ है, तो हम यहाँ पर पेड़ पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास थी बस और गाड़ी। हमारे पास सिर्फ बड़ी आकृति पर चिन्ह लगाना है, तो बड़ी आकृति कौन सी है, यहाँ पर बस है, तो बस पर हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास वो गाड़ी थी, ये छोटा है, इसे छोड़ देंगे, हमें सिर्फ राइट बड़ी आकृति पर चिन्ह लगाना है। ओके बच्चों, हमारी क्लास फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है, हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे।